दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। संध्या स्त्री 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज दोस्तों हम लोग संस्कृत सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों हिंदी मात्र और मात्र हिंदी का बैच आप प्राप्त कर सकते हैं 999 रुपए में। यूपी टेट का बैच 999 रुपए में, सुपर टेट 1799, आरओएआरओ 499, एसएससी जीडी 699 और वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनमें से कोई बैच आपको लेना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके बैच को ले सकते हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। और पहला प्रश्न शिक्षण से संबंधित पहला प्रश्न है, विद्यार्थिना आनंदार्थम पठनम सामान्य पठन कौशल विकासः च यस्मिन् पठने उद्देश्यम अस्ति तत् पठनम कथ्यते। कार्य तत् पठनम कथ्यते, उस पठन कार्य को कहा जाता है। किस पठन कार्य को? तो कार्य विद्यार्थिना आनंदार्थम पठनम, जिसे विद्यार्थी लोग आनंद के लिए पढ़ना पठन कार्य करते हैं उसमें सामान्य पठन कौशल विकास, और सामान्य पठन कौशल विकास तथा आनंद के लिए पठन कार्य करने में जिसमें पठने उद्देश्य मस्ति, जिसमें पठन का उद्देश्य निहित है, वह पठन कार्य कहा जाता है। प्राक्य पठनम, पश्चात पठनम, गभीर पठनम, व्यापक पठनम, कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ सके, और बताइए कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी और डी में से। दोस्तों डी विकल्प बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा, व्यापक पठनम, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संभाषण कौशले अत्यंतम महत्वपूर्णम अस्ति, संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है, मृदुभाषणम, आलंकारिक उच्चारणम, आलंकारिक उच्चारणम, स्पष्टम शुद्धम उच्चारणम, संदर्भानुसारम परिस्थितियानुसारम च कथनम। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो संभाषण कौशल में संदर्भ के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कथन महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या दो का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भाषा दक्षतायाम के द्वे तत्व सन्निविष्टे, कौन से दो तत्व सन्निविष्ट होते हैं? भाषा दक्षता में कौन से दो तत्व स्थिर रहते हैं? शुद्धता धारा प्रवाह च, अर्थात शुद्धता और धारा प्रवाह। बी विकल्प है द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम च, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना और क्रम को देखना। योग्यम उच्चारणम गंभीरतया पठनम च, योग्य उच्चारण और गंभीरता पूर्वक पठन कार्य करना। लिप्यंतरणम सुंदरम हस्ताक्षरम च, यानी कि लिपि का अंतरण करना और सुंदर हस्ताक्षर करना। भाषा दक्षता के दो तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? तो शुद्धता और धारा प्रवाह, शुद्धता और धारा प्रवाह। प्रश्न संख्या तीन का विकल्प ए सही उत्तर होगा, और आप दोस्तों का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया लेखनार्थम अधोलिखितेषु किम्, करे प्रक्रिया लेखन के लिए नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा सही है? संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग, अर्थात प्रक्रिया लेखन ये संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, या विचाराराम समायोजनम, विचारों का समायोजन किया जाता है, शब्द मर्यादा या उसमें शब्द की मर्यादा होती है, या आलंकारिक भाषा प्रयोग, आलंकारिक भाषा का, अलंकार से युक्त भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रक्रिया लेखन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो प्रक्रिया लेखन के लिए दोस्तों अधोलिखितेषु विचाराराम समायोजनम भवति, प्रक्रिया लेखनार्थम, प्रक्रिया लेखन के लिए विचारों में समायोजन
विचारों का समायोजन होना चाहिए। प्रश्न संख्या चार का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों नितिन सर द्वारा लिखित अपनी हिंदी नामक पुस्तक मात्र 299 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लिए पुस्तक 199, पेड कॉम्बो के तहत बुक 350 रुपए, पेड की बुक 300 रुपए, आरओआरओ की बुक 175 रुपए, लेखपाल का वो मात्र 300 रुपए में आप फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों बुक लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है लेखनम अस्ति न तु, यानी कि लेखन है न तु और नहीं करें प्रक्रिया, लेखनम अस्ति प्रक्रिया न तु हस्ताक्षराभ्यासः, अर्थात लेखन प्रक्रिया है न तु हस्ताक्षराभ्यासः, और बी विकल्प है हस्ताक्षराभ्यासः प्रक्रिया, प्रक्रिया फलम, फलम प्रक्रिया। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या पांच का? तो प्रश्न संख्या पांच का विकल्प सी सही होगा दोस्तों, लेखनम अस्ति प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया है न तो फलम, केवल फल नहीं है, यानी कि लेखन प्रक्रिया है फल नहीं है। तो प्रश्न संख्या पांच का कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है पठन पूर्व कार्याण संति, पठन कार्य करने के पूर्व के कार्य है विद्यार्थी नाम पठनावबोधस्य आकलनम, पाठ संबद्धस्य पूर्व ज्ञानस्य उद्बोधनेन छात्राराम सज्जीकरणम, कठिन शब्दानाम अर्थसूचनम, अर्थसूचनम पाठे प्रयुक्तानाम व्याकरण नियमानाम व्याख्यानम। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? अर्थ देख लें, विद्यार्थी नाम पठनावबोधस्य आकलनम, विद्यार्थियों के द्वारा जो अवबोध किया गया पठन कार्य के कारण उसका आकलन करना, या पाठ संबंधस्य पूर्व ज्ञान से, पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान के उद्बोधनेन छात्राणाम उद्बोधन के द्वारा, छात्राणाम सज्जीकरणम छात्रों को तैयार करना सुसज्जित करना, कठिन शब्दानाम अर्थ सूचनम कठिन शब्दों के अर्थ की सूचना प्रदान करना, पाठे प्रयुक्तानाम व्याकरण नियमानाम व्याख्यानम पाठ में प्रयुक्त व्याकरण नियमों का व्याख्यान करना। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए बी सी और डी में से प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो पठन पूर्व कार्याणि सन्ति, पाठ संबद्धस्य पूर्व ज्ञानस्य उद्बोधनेन छात्राणां सज्जीकरणम्, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, संभाषण के समय में उचितेन उच्चारणेन सह उचित उच्चारण के साथ समुचित शब्दानाम समुचित शब्दों का समुचित क्रमेण समुचित क्रम से प्रयोगः, प्रयोग क्या कहलाता है? संभाषण प्रक्रिया कहलाएगा, भाषा व्यापार कहलाएगा, या प्रयोग आधारित भाषा कहलाएगा, या संकेत भाषा कहलाएगा? प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प संभाषण प्रक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संभाषण प्रक्रिया कहलाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शिक्षक एकम पाठम स्वगत्या पठति, शिक्षक एक पाठ को अपनी गति के अनुसार पढ़ता है, विद्यार्थिना समूहेश विभज्य, और विद्यार्थियों को समूहों में बांट करके मुख्य बिंदुन आधार पाठस्य, मुख्य बिंदुओं के आधार पाठ को पुनर्निर्माणम कुर्वन्ति, आधार पाठ का पुनर्निर्माण करता है, निर्माण करता है, एवं विधम कार्यम अस्ति, इस प्रकार का कार्य है व्याकरण श्रुतलेखः, कार्यस्य पुनर्लेखनम, पारस्परिक श्रुतलेखा या श्रुत लेखा। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का? तो दोस्तों ये व्याकरण श्रुत लेखा विकल्प ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का। दोस्तों आरओआरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स मात्र 1999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेली वीडियो क्लासेज, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी व्यवस्था दी गई है। तो आप दोस्तों अगर आरओआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते, करें प्रथम भाषा विकास साधारणतया जाना जाता है, अधिग्रहणम इति इसको दोस्तों सही करते हैं, अधिग्रहणम, हलंत ये मकार पे है,
परिवर्धनम इति संज्ञानम इति अधिगमः इति, अर्थात प्रथम भाषा विकास साधारणतया किस नाम से जाना जाता है, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रथम भाषा का विकास साधारणतया अधिग्रहणम इति इस नाम से जाना जाता है, अर्थात उसका अधिग्रहण किया जाता है, अर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानं दद्यात्, पठन कार्य के प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए किस बात का? पठनस्य प्रवाहे, अक्षर ध्वनि समन्वये, पठनस्य शुद्धतायाम, या भाषा या वर्णमाला या कंठस्थी करणे, भाषा या वर्णमाला या भाषा की वर्णमाला को कंठस्थी करण करने में किस पर ध्यान देना चाहिए? कार्य पठनस्य प्रवाहे, पठन कार्य करने के प्रवाह में, या अक्षर ध्वनि के समन्वय में, या पठनस्य शुद्धतायाम, पठन कार्य में शुद्धता में, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 10। तो पठनस्य प्रारंभिक स्थिति में आप क्या करते हैं दोस्तों, पठन कार्य के प्रारंभिक स्थिति में आप समन्वय लाते हैं किसका? अक्षर ध्वनि आदि जो ये रहते हैं, जैसे वर्ण, वर्णों का योग ही तो शब्द या पद कहलाता है ना, वर्ण समूह, वर्ण का समूह, अक्षरों का समूह ही शब्द या पद होता है सामान्यतः। और शब्दों या पदों का सामान्य रूप में अगर देखें कि शब्दों या पद, तो इन्हीं के शब्द या पदों का समूह वाक्य कहलाता है, और वाक्य का समूह भाषा कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सही अक्षर ध्वनि समन्वय, अक्षर ध्वनि समन्वय में होना चाहिए दोस्तों। प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं, पठन कार्य के प्रारंभिक स्थिति में अक्षर ध्वनि के समन्वय पर विशेष रूप से शिक्षक का ध्यान होना चाहिए, विशेष रूप से शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न और प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवणम पठनम चयु अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, रुचि उत्पादक कौशल, चिंतनात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल। दोस्तों भाषा कौशल से संबंधित है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, जिसको शुभोपल कहते हैं, क्रम पूछता है। दूसरा करें कि सुनना और पढ़ना ये किस कौशल के अंतर्गत आता है, तो सुनना और पढ़ना किस कौशल के अंतर्गत आएगा? प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो श्रवण करते हैं जब दोस्तों, जब हम सुनते हैं, जब हम सुनने का कार्य करते हैं या पढ़ने का कार्य करते हैं, पढ़ने का कार्य करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ या भाव ग्रहण करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत? ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी विकल्प सही उत्तर होगा दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ है, जिसमें कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1499 रुपए में। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बैच ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संभाषण कौशल से गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम, किम न आवश्यकम। कार्य संभाषण कौशल के गतिविधि के आकलन के समय में नीचे लिखे विकल्पों में से क्या आवश्यक नहीं है? संदर्भे, यहां दोस्तों ये अनुसार नहीं रहेगा, संदर्भे आगता नाम शब्दानाम, संदर्भ में आए हुए शब्दों का उचित रूपाणाम प्रयोग, उचित रूप से प्रयोग, शब्दकोशस्य उपयोग, शब्दकोश का उपयोग, भाषणे स्पष्टता, बोलने में स्पष्टता, ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम, ध्वनियों का या शब्दों का उच्चारण, तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो संभाषण कौशल के गतिविधि के आकलन के समय क्या आवश्यक नहीं है? शब्दकोश का उपयोग, शब्दकोश का उपयोग बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है दोस्तों, दिए गए समुचित उत्तर नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मौन वाचन विद्यार्थी, मौन वाचन के द्वारा विद्यार्थी अधोलेखित कस्य सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणम कुर्यात, करें कि मौन वाचन के द्वारा विद्यार्थी नीचे लिखे विकल्पों में से कस्य, किसका सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणम, सबसे कम अधिग्रहण करेंगे या करना चाहिए? व्याकरणस्य,
संभाषण कौशलस्य, पठन कौशलस्य, कौशलस्य और शब्दानाम या शब्दों का। कह रहे हैं कि व्याकरण का करना चाहिए कम, या संभाषण कौशल का, या पठन कौशल का, या शब्द का, शब्दों का, शब्दानाम शब्दों का, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो संभाषण कौशल का। मौन वाचन रहेगा तो संभाषण कौशल, तो दोस्तों मौन वाच संभाषण कौशल मतलब अभिव्यक्ति, आपकी समान भाषा में बातचीत जो अभिव्यक्ति होती है आदान प्रदान होता है, और मौन वाचन में तो संभाषण कौशल संभव नहीं है। तो प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, करें न्यूनम अधिग्रहणम, सबसे कम। और अगला प्रश्न दोस्तों श्लोक से दिया गया है, यह प्रेरयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुर एव हितम् इच्छति तत् कलत्रं तन्मित्रं आपदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। करे एतत्त्रयम्, यह तीनों जगति इस संसार में पुण्य कृतो, पुण्य कार्य करने वाले के लिए लभन्ते प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पुण्य कार्य करने वाले लोग हैं वही एतत् त्रयम् इन तीनों को इस संसार में प्राप्त करते हैं, यानी कि पुण्यवान व्यक्ति ही इन तीनों को इस संसार में प्राप्त करता है। तो इन तीनों से तात्पर्य क्या है? पहला बता रहे हैं कि यह प्रेरयेत सुचरितैहि, सुचरितैहि यह प्रेरयेत पितरम्, सुचरितैहि अच्छे चरित से जो पितरम् पिता को प्रेरयेत प्रसन्न करता है, स पुत्रो वही पुत्र है। पुत्र की परिभाषा है दोस्तों, पुत्र की परिभाषा बता रहे हैं यहां, पुत्र की परिभाषा, पुत्र कहते किसे हैं? तो कह रहे हैं कि सुचरितैः यह पितरं प्रेरयेत, अर्थात अच्छे चरित से जो पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। सपुत्रो कः पुत्रः, कः पुत्रः, पुत्र कौन है? तो यह प्रेरयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रः। और अगर इसको आसानी से आप करें तो कह सकते हैं कि सुचरितैः यह पितरं प्रेरयेत, अन्वय ये होगा, अच्छे चरित्र से जो पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। पहली लाइन क्लियर। दूसरी लाइन कहते यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम्, वही स्त्री है, वही स्त्री है, कौन? यद भर्तुर एव हितम इच्छति, जो पति का ही हित चाहती है, अर्थात जो अपने पति के लिए हितकारिणी है, हित चाहने वाली है, हित की रक्षा करने वाली है, वही स्त्री है। यहां स्त्री, स्त्री का लक्षण दिया गया, स्त्री कौन है? तो यद भर्तुर एव हितम इच्छति, हितम इच्छति भर्तुर एव, हित चाहती है पति का ही, यत जो श श या तत्कलत्रम, वही स्त्री है। कलत्र शब्द दोस्तों तत् के लिए आया है, और कलत्र यहां नपुंसक लिंग, इसलिए तत् शब्द का प्रयोग किया गया। तो कह रहे हैं कि जो अपने पति का हित चाहती है वही स्त्री है। पहले लाइन में कहा कि जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है, और जो अपने पति का ही हित चाहे वही स्त्री है। आजकल लोग दोस्तों दूसरे दूसरे का हित चाहने लगते हैं, तो इसीलिए श्लोक में बताया गया कि अपने पति का, पति क्या ही हित करना चाहिए स्त्री को, उसी को स्त्री कहते हैं। तन मित्रम, अगले में बता रहे हैं दोस्तों मित्र कौन है, मित्र की परिभाषा देखिए, करें तन मित्रम वही मित्र है, तद मित्रम वही मित्र है, कौन? आपदि जो विपत्ति में, सुखेच और सुख में, यानी कि दुख और सुख में, समक्रियम जो समान बना रहे, ऐसा ना है कि सुख में साथ दे और दुख पड़े तो भाग जाए छोड़ करके, जो सुख और दुख में आपदि सुखेच समक्रियम यद
तत् मित्रम, वही मित्र है। तो यहां तीसरे में दोस्तों मित्र की परिभाषा बताया, मित्र यानी कि पुत्र, स्त्री और मित्र, ये तीनों कह रहे एतत् त्रयम्। एतत् त्रयम् पुत्र, स्त्री, मित्र इत्यर्थे प्रयुक्तः। जगति पुण्य कृतो, इस संसार में पुण्य करने वाले लोग प्राप्त करते हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कह पुत्रः, पुत्र कौन है? यह धनम आनयत, जो धन ले आए। यह सुचरितैः ही पितरम प्रीणयेत, जो अपने अच्छे चरित्र से, सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करे। यह सदा क्रीडत, जो बाहर माता पिता बुलाते रहे और बाहर चला जाए खेलने के लिए, वो पुत्र है। यह अरण्येषु अटति, जो जंगलों में घूमे, जो गली गली घूमे जंगलों में, अरण्येषु वनों में घूमे, वो पुत्र है। बताइए प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, 14 का बी विकल्प। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है, मात्र 999 रुपए में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सा पत्नी या, कह रहे कि वह पत्नी है जो, वह पत्नी है जो भर्तु धनम इच्छत, जो पति से धन की इच्छा करे। भर्तु हितम इच्छत, जो पति का हित चाहती है, इच्छा करती है। सुतम प्रसूते, जिस जो पुत्र को पैदा करे। या प्रियम वदति, जो प्रिय बोले वही पत्नी है। तो पत्नी की परिभाषा क्या दिया दोस्तों? यत् भर्तु हितम इच्छति तत् कलत्रम, तो जो पति क्या हित चाहे वही क्या है? स्त्री है। तो बी विकल्प इसका, प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किम नाम मित्रम, मित्र किसे कहते हैं? यत् एकस्मात् गुरु विद्यामधीते, अर्थात जो एक ही गुरु से विद्या का अध्ययन करे। यह समीप गृहे बसत, जो घर के पास में रहता है। यत् सहायम करोति, जो सहायता करता है। सुख दुखियो समक्रियम, जो सुख और दुख में आपके साथ रहे, आपके साथ है, बना रहे। तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, सुख दुखियो समक्रियम यत् तत् मित्रम। इदं पद्यम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम, यह पद पद्य किस छंद में निबद्ध है? आर्या, अनुष्टुप, वसंत तिलका, इंद्र वज्रा। प्रश्न संख्या 17 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो ये वसंत तिलका में है। किसमें है? वसंत तिलका में। और वसंत तिलका का लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तव जा जगउगह। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, छंद हम लोग बाद में भी पढ़ते हैं, बाद में कभी किसी क्लास में छंद ही एक क्लास छंद का लेते हैं। प्राचीन इतिहास, नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हैंड रिटन ई बुक्स के रूप में दोस्तों उपलब्ध है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्र नित्य संबंधी शब्दों को, करें यहां नित्य संबंधी शब्द, दो संबंधी शब्दों को, कौन दो नित्य संबंध है? यत तत् मित्रम कलत्रम जगत पुण्य कृत आपत सुखम। बताइए कौन सा विकल्प नित्य संबंध के लिए कहा है? प्रश्न संख्या 18 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? यत तत् मित्रम कलत्रम जगत पुण्य कृत और आपत सुखम। तो नित्य संबंध दोस्तों यत तत्, यत तत् ये नित है, ये नित्य संबंधी शब्द है। और ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं दोस्तों कल पुनः सायंकाल 4, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।